दोस्तों नमस्ते, क्या आप भी रेलवे में आए हुए वैकेंसी पोस्ट रेलवे ग्रुप डी के बारे में जानना चाहते हैं और उसके सिलेबस क्या है, तो ये वीडियो आपको बहुत मदद कर सकता है। तो इस वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखें और अपने सिलेबस को अच्छे से जानें और समझें। एक ज़रूरी बात, अगर इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस पर मेरा वीडियो पहले से बना हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये दो वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे क्लिक करके डिटेल से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटेन टेस्ट में ये सब होने वाला है, जिसमें आप रिटेन टेस्ट में आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपको 100 मिलने वाला है और टाइम आपको 90 मिनट मिलने वाला है, जिसमें आपको मैथ साइंस जीके जीएस सारे कुछ मिलने वाले हैं। और इसको आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज कि मैथ में आप यहां पर देख सकते हैं कि मैथ में आपको क्षेत्रमिति, प्रतिशत, संख्या प्रणाली, सरलीकरण यानी मेंसुरेशन, परसेंटेज, इस तरह से आपको मैथ में जनरल मैथ में पूछने वाला है। उसके बाद देखिए यहां पे रीजनिंग, रीजनिंग में आपको ये सब सारे पूछेंगे। उसके बाद आते हैं यहां पे जनरल नॉलेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण दिन, राजनीति और राष्ट्रीय मामलों, भारतीय रेल, उसके बाद खेल और सिनेमा, महत्वपूर्ण घटनाएं, इस तरह के क्वेश्चन उसमें जीके में आने वाले हैं, यानी उसमें सारा टॉपिक लगभग टच कर गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएस में आपको 10th लेवल पे पूछा गया है। 10th लेवल में जो आपको जीएस का क्वेश्चन होता है उस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, पर्यावरण अध्ययन। तो ये इस तरह के जीएस में चार टॉपिक को इस सिलेबस में टच किया है। और मैथ में आपको जनरल कंपटीशन में जितना भी होता है वो सारा लगभग टच कर ही गया है, और रीजनिंग में भी वही बात है, सारा तो आ ही गया है, ब्लड रिलेशन आ ही गया है, नंबर रैंकिंग आ ही गया है, उसके बाद डिसीजन भी आ ही गया है, तो इसमें भी कुछ छोटा नहीं है। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद हुआ हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।